ये सवा टू जो हमारा था, इसके अंदर हमने बताया था आपको एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग होता, दूसरा जो होता वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता। वालेकुम सलाम मोहम्मद अली, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस का लो होता है फ्रिक्शन लेस। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए, इसका मास एम वन, इसका वेट डब्ल्यू वन, ठीक है। इसको डोरी से बांध कर पुलिस से गुजारा गया और इस डोरी को एक और ऑब्जेक्ट से अटैच किया गया। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है एम टू, बॉडी का नाम बी, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डब्ल्यू टू है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए सरफेस भी एक फोर्स लगाती है जिसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस भी एक फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। साथ ही साथ में डोरी में एक फोर्स बन जाती है जिसको हम कहते हैं टेंशन टी। ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग है इसलिए टेंशन टी ऊपर होता है, और क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है इसलिए जो टेंशन की फोर्स है वो डोरी के अंदर इस तरीके से आती है। टेंशन की फोर्स अमूमन डोरी में आता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे, इसलिए टेंशन की फोर्स इस तरीके से आती है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों बॉडीज के मोशन को डिस्कस करना है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं हल्का फुल्का। मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी के अंदर मैंने बताया था ये बॉडी कहाँ मूव कर रही है, नीचे की तरफ मूव करती है। ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक W1 और दूसरी कौन सी फोर्स लग रही है, T। W1 और T, ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। क्योंकि ये नीचे मूव करता है तो W1 बड़ा है और T छोटा है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम W1 में से क्या माइनस करेंगे, T को माइनस करेंगे। W को खोल देंगे आप W1 को M1G और रिजल्टेंट फोर्स को आप खोल देंगे M1A। इस तरह इक्वेशन वन बनेगी, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T। ये है मोशन ऑफ बॉडी A। ऐसे ही मोशन ऑफ बॉडी बी पर आ जाएंगे। मोशन ऑफ बॉडी बी के अंदर हमारे पास ये मोशन ऑफ बॉडी बी है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, बॉडी बी के ऊपर टोटल तीन फोर्सेस लग रही है, एक लग रहा है W2, एक लग रहा है T और एक लग रहा है R। टोटल तीन फोर्सेस लग रही है, W2, R और T। W2 और R जो होता है वो एक दूसरे का एक्शन और रिएक्शन होता है। W2 एक्शन होता है और R इसका रिएक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। W2 और R क्या है, वालेकुम अस्सलाम, W2 और R क्या है, एक्शन और रिएक्शन। सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मैंने कैंसिल करके दिखाया। तो रिजल्टेंट फोर्स माइनस करके नहीं निकालेंगे बल्कि रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्ट निकलेगी और रिजल्टेंट फोर्स बराबर हो जाएगी बच जाने वाली फोर्स। क्योंकि W2 और R कैंसिल हो चुके हैं इसलिए बच जाने वाली फोर्स कौन सी है, T, टेंशन। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन T के बराबर हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स को किस पर खोलेंगे, एम टू ए और टेंशन T एज इट इज। ये हमने पिछले से पिछले वीक के अंदर डिस्कस किया था, इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि टेस्ट आ गए थे, और आज हम इसको इंशाल्लाह इसकी फिनिश लाइन पे पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे, और हेडिंग बना कर क्या निकालेंगे, फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो तरीका मैंने बहुत पहले भी बताया था, दोबारा से वही तरीका है। क्या करना है, इक्वेशन वन और टू को ऐड करना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, एडिंग वन एंड टू। जिनका लास्ट टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो बहुत तेज़ी के साथ समझ जाएंगे, और जो लास्ट टाइम थोड़ा सा अटक रहे थे उनके पास एक अच्छा मौका है एक मरतबा दोबारा देख लें किस तरीके से एक्सेलरेशन को निकाला जाता है, एक मरतबा दोबारा देख लीजिए। पहले इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे, एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी। इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर टू, एम टू ए इज इक्वल टू टी। इक्वेशन वन आ गई, ये इक्वेशन टू आ गई, इक्वेशन वन आ गई, ये इक्वेशन टू आ गई, ठीक है। माइनस का टी और प्लस का टी कैंसिल हो गया। अगर आपने पिछले वीक का लेक्चर वाला लेक्चर लिया हुआ है जिसमें मैंने ये एक्सेलरेशन निकाल के दिखाया था, तो आपको बिल्कुल सेम स्टेप्स नज़र आएंगे, वही करेंगे। ये दोनों वैल्यू आपस में ऐड नहीं हो सकती, इनको बस आप प्लस करके इस तरह देख सकते हैं, एम वन ए प्लस एम टू ए। टू प्लस नहीं हो सकती क्योंकि एक में एम वन आ रहा है, एक में एम टू आ रहा है, तो ये प्लस नहीं हो सकता। सीधे आपके ये दोनों कट गए, खाली क्या बचा आपके पास, एम वन जीरो। यहाँ से कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाला आपने, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा एम वन प्लस एम टू, और यहाँ बचेगा एम वन जी। एम वन प्लस एम टू मल्टीप्लाई नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड।
और जब डिवाइड करेगा तो किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन वन और टू को ऐड किए, इक्वेशन वन लिखी, इक्वेशन टू लिखी, माइनस टी और प्लस टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस नहीं हो सकते, इनको इस तरह करके लिख सकते हैं, एम वन जी यहाँ पर आ गया, ए कॉमन निकाला, एम वन प्लस एम टू ब्रैकेट में बचा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, इसके नारे नीचे आ गए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। यहाँ तो ओके करते हैं, फिर आपको टेंशन बता देते हैं, टेंशन कैसे निकले। यहाँ तो ओके करते हैं, शाबाश जल्दी से। ठीक है भाई, टेंशन मैं आप लोगों को उसकी बताता हूँ, टेंशन कैसे निकलेगा इसे। कंटिन्यू करते हैं अपने टेंशन के टॉपिक पर, जरा गौर से यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर टू लिखी हुई, ये क्वेश्चन नंबर टू के अंदर देखें टेंशन ऑलरेडी निकला हुआ, और यहाँ जो टेंशन है ये सिर्फ खाली किस दो चीज़ों के हिसाब से है, एक एम टू, ए एम टू जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हम इस ए की वैल्यू को इस ए की जगह पे रख दें तो हमारा डायरेक्ट जवाब किसका आ जाएगा, टेंशन का आ जाएगा। जैसे हम मैट्रिक में करते थे कि आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स और एक वाई, तो अगर एक्स निकल जाता था तो आप एक्स की वैल्यू रखकर वाई निकाल लिया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करना है। अगर आप ए बस यहाँ पुट कर दें, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ ए यहाँ खाली पुट कर दें इस जगह पे, एम टू जैसा है वैसा ही है, तो जो आंसर निकलेगा वो डायरेक्ट किसका निकलेगा, टेंशन का निकलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी काम जितना ज़्यादा आसान से आसान तरीके से हो हम उसको आसान से आसान तरीके से ही करें। तो यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर टू, ताकि हमें बेटा जवाब मिल जाए किसका, टेंशन। यहाँ तक ओके है बच्चों, तस्वीर नज़र नहीं आएगी, जरा पेज पेज स्वाइप कर रहा हूँ मैं एक मिनट के लिए। यहाँ पर आप टेंशन को सॉल्व होता है, हेडिंग बनाएंगे फॉर टेंशन, और टेंशन में लिखा करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन टू। आपकी नॉलेज के लिए इक्वेशन नंबर टू मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए जरा इक्वेशन टू ये थी, एम टू ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब यहाँ ए की वैल्यू पुट करते हैं जो आपने पीछे निकाली, पुट ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास थी एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू आपने इस जगह पे यहाँ रख दी, जहाँ मैंने बॉक्स बनाया यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें, और जो जवाब आएगा वो टेंशन का हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टू, एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू आ जाएगी एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू या टी। एम टू को यहाँ बस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एम टू को बस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन।
ठीक है, दोबारा से मर्दा और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है, सिर्फ आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपने बनाई थी वो यहाँ पर पुट कर देनी है इस जगह पर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने बनाई थी, यहाँ पुट कर दी बस, और ये एम टू यहाँ पर था, ये अंदर जाके एम वन जी से मल्टीप्लाई हो गया, एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉपी कर दें सारे बच्चे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ तक कॉपी कर दें, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको अच्छी तरीके से। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही हमारे ये पूरी केसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे कंप्लीट हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इनके बारे में ये कहना कि इन्हें तैयार कर लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, इन्हें तैयार कर लें आप, ठीक। और इनके जो सवाल आते हैं, जब आप अभी इंशाल्लाह ताला जानते हैं थोड़ा सा टाइम रह गया सितंबर के अंदर, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कॉलेज खुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें जब आपसे मुलाकात होगी तो क्वेश्चंस वगैरह भी आपको दिखाएंगे। आपके लिए काफ़ी कुछ काम भी करके रखा हुआ है हम लोगों ने, सब ने कॉलेज के अंदर काम हो रहा है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह काम आपके सामने आएगा। तो आपको हर चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर डिस्कस होते हैं वो क्वेश्चंस भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इसका सवाल बच्चे अक्सर क्या करते हैं, टॉपिक तैयार होता है लेकिन क्वेश्चन का नहीं पता होता है, इसका क्वेश्चन क्या साथ है भी? तो आपको उसके क्वेश्चन भी लिखे मिलेंगे कि किस तरीके का सवाल इसमें पेपर में आता है, उसकी वर्डिंग कैसी होती है, और आपने उस वर्डिंग के जरिए किस तरीके से इसका जवाब लिखना होगा। तो इंशाल्लाह बहुत आसान मामला है। आइए इसे नुमाइकर्स की तरफ चलते हैं। इसलिए टोटल हमारे पास किताब के अंदर तीन सवाल आते हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं और एक एग्जाम्पल है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अभी वो समझा रहा हूँ बहुत आसान से। आइए ज़रा सबसे पहले कुछ खास बातें नोट कर लें जी। प्रॉब्लम्स यानी नोमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स ऑन थ्योरी केसेस जी। सबसे पहले केस वन, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये रफ डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाने का खाली सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि आपको एक बार जहन में बिठा दें। वो बात कौन सी जानवर उठानी है आइए बैठा देता हूँ, आप भी जानवर उठा दें। जो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उसके मास को m1 कहना, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसके मास को m2 कहना। ये बात ध्यान में बैठा रहे अच्छी तरह से। जो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उसके मास को m1 कहना है, और जो ऊपर जाएगा उसके मास को m2 कहना है। इनके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मिसाल के तौर पे हमने जब डेरिवेशन की थी तो इसका नाम रखा था a, इसका नाम रखा था b, तो ये ए बी का नाम स्विच हो सकता है, ये इसका नाम बी हो सकता है, इसका नाम ए हो सकता है। तो नाम के स्विचिंग से याद रखें सिंबल के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंबल वही रहेंगे, यानी जो नीचे मूव करेगा वो एम वन होगा और जो बॉडी ऊपर मूव करेगी वो एम टू होगा। क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए जहन बना के रखिएगा। बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का m1 minus m2 g divided by m1 bracket m1 plus m2। This formula is used for acceleration। ये acceleration body से बनता है, और दूसरा formula डोरी में बनने वाला tension होता है। T equal to 2 m1 m2 g divided by m1 plus m2। ये आपके पास टेंशन का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये दोनों फार्मूले जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों फार्मूले उस केस नंबर वन के, केस नंबर वन की पहचान क्या, दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग होती है, ठीक है। अब जरा केस नंबर टू को भी देख लेते हैं। केस नंबर टू, केस नंबर टू के अंदर भी मैंने ग्राउंड डायग्राम दिखा दी है आपको, जिसके अंदर बस ग्राउंड डायग्राम में सिर्फ आपको खाली ये बताना है केस नंबर टू के अंदर एक ग्राफ डायग्राम बनानी है, और डायग्राम के जरिए आपको ये खाली दिखाना है कि ये दो बॉडी होती है, इस तरह करके देखें अच्छी तरीके से। जो बॉडी नीचे जाएगी याद रखिएगा वो एम वन है, याद रखिए, और जो बॉडी सरफेस पे लाई करेगी वो एम टू, ठीक
और इस बॉडी का जो वेट है वो W2 ध्यान में रखिएगा, और सरफेस से फोर्स लगती है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं हम आर्क यानी नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों बराबर होते हैं, एक्शन रिएक्शन होता है। तो वहाँ से ध्यान उठा लीजिए, जो नीचे जाएगा वो M1, जो सरफेस पे होगा वो M2, ठीक है, और जो सरफेस पे रखा होगा उस पर एक फोर्स सरफेस की तरफ से लगेगी जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये आर और W2 बराबर होते हैं। इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास वो अभी आपने राइट किए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला M1g डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, टेंशन का फॉर्मूला M1 M2g डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला R, R को भी निकालने का कहता है वो, R बराबर W2, और W2 खुल जाता है M2g, R बराबर W2 और W2 खुल जाता है M2g। सही है भाई, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सबको अच्छी तरह से देखिए, और हम स्टार्ट करेंगे बुक के क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भी बताता हूँ, एक मिनट मतलब बुक ले लो करो। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पेज नंबर 94 पे लिखा हुआ है, दिखाता हूँ जरा, कैमरा जरा इसमें सही से आ जाएगा। तो उसे रोशनी जरा ज़्यादा है यहाँ पे, शायद आपको नज़र आ रहा हो, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 94 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ और इसके बाद इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दो बॉडीज हैं ए और बी, दोनों डोरी के सिरे से बंधी हुई, विच पासेस ओवर अ पुली, पुली के ऊपर से गुजारी जाती है, सो दैट द टू बॉडीज हैंग वर्टिकली। ये दोनों बॉडीज डोरी से भागकर पुली के ऊपर से गुजारते हैं इस तरह से कि दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो जाती हैं। तो बेटा ये कौन सा केस हुआ शावर, जल्दी से चैट में बताइए मुझे, दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो गई, कौन सा केस हुआ, केस वन या केस टू, जल्दी से चैट में बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो गई है, जल्दी से बताना है। एक दो बच्चे बताएंगे तो इससे मज़ा नहीं आता, जाहिर सी बात है इतने सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठे पढ़ रहे हैं, तो सबने रिप्लाई करना है जल्दी से, शाबाश, कौन सा केस हुआ ये, दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग हो गई। अभी भी दो रिप्लाई आए हुए हैं, इससे ज़्यादा रिप्लाई नहीं आए। अच्छा ठीक है, तीन रिप्लाई हो गए, और फैजान आपका जवाब गलत है, और जल्दी से बाकी रिप्लाई, मोहम्मद अली आपका जवाब भी गलत है, और बाकी बच्चे देखें आप जवाब देंगे, गलती होगी तो उस गलती से आपको सीखने का मौका मिलेगा, वरना अपने जहन में एक जवाब को समझ लेंगे कि ये जवाब है, और वो जवाब शेयर नहीं करेंगे, अब सामने नहीं आएगा तो गलती होगी। ठीक है भाई मरियम, आपका जवाब दुरुस्त है,
अच्छा भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया वो जवाब सुन ले अच्छी तरीके से। टू बॉडीज जब वर्टिकली हैंग होती हैं तो इसको हम केस नंबर वन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ डायग्राम देखे, यहाँ उंगली का मैंने, ये पीछे छुप गई है बुक के पीछे, ये देखिए ये केस वन है। सवाल में उसमें क्या बोला है, वर्डिंग अच्छी तरह पढ़े, दोनों बॉडीज को डोरी से बांधा गया है और पुली से हैंग कर दिया गया, वर्टिकली हैंग हो गए, हैंग वर्टिकल। आगे भी कुछ बातें आ रही हैं, उनको भी अच्छे तरीके से देख लीजिए, गलती नहीं कीजिएगा उसमें, ठीक है, जरा देख लीजिए उसको भी अच्छे तरीके से। इफ द मास ऑफ द बॉडी ए इज 4.8 kg, चलो कोई बात नहीं मोहम्मद अली, कोई बात नहीं। इफ द मास ऑफ द बॉडी ए इज 4.8 kg, अगर बॉडी ए का मास कितना है 4.8, तो बच्चों सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बात को घुमाया जाएगा। अगर बॉडी ए का मास 4.8 kg है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी बी, आपने बॉडी बी का मास निकालना है, विच मूव्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 m/s². ये एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा। बॉडी बी का मास आपने मालूम करना है और बॉडी बी नीचे जा रही है 0.2 m/s² से, ठीक है, तो आपने मुझे बताना है बॉडी बी का जो मास है उसका सिंबल क्या होगा और बॉडी ए के मास का सिंबल क्या होगा। पहले बॉडी बी के मास का सिंबल बताएं, बॉडी बी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, बॉडी बी के मास का सिंबल क्या होगा, बॉडी बी नीचे जा रही है, सबने जवाब करें सुने। अच्छा, जिनका गलत होता रहेगा मैं उनको भी बताता रहूँगा ताकि वो करेक्शन करें प्लीज़, बाकी सब भी रिप्लाई करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत वजाहत से आपको सारी बातें समझा दी थी, सब वजाहत से बता दी, एक एक चीज़ क्लियर कर दी थी अच्छी तरीके से, ठीक है जी। बाकी स्टूडेंट जल्दी से शाबाश, बॉडी बी के मास को क्या सिंबल देंगे, M1 या M2? बॉडी बी नीचे जा रही है, लिखा हुआ इसके अंदर वाजह, बॉडी बी नीचे जा रही है। अच्छा, इसका सही जवाब क्या है, आइए सही जवाब बता देते हैं। दो तीन चार बच्चों ने ट्राई करी है, सुनैना ने, सादिया ने, मरियम ने, बाकी इतने सारे बच्चे हैं मुझे उनके नाम लेने पड़ेंगे जिनके रिप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहे। यासीन, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा हमारे पास, न्यू स्टूडेंट मुझे लग रहे हैं, लेकिन जो बातें मैं बताई हैं सारी उनको सुनकर यासीन रिप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन यासीन का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। शमसा हमारे साथ मौजूद हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किस तरह का। मलिया का जवाब अब आया है, मोहम्मद अली का जवाब अब आया है, रुमैसा अहमद, ये भी शायद न्यू स्टूडेंट है लेकिन रिप्लाई आना चाहिए था, उसका रीज़न ये है कि जो बातें बता रहा हूँ उसको तवज्जो से सुने और सुनकर आप रिप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस आपकी नहीं ली हुई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिक्र नहीं करें। रुमैसा अहमद का भी रिप्लाई नहीं आ रहा, मोहम्मद फैजान का रिप्लाई नहीं नज़र आया, मोहम्मद अमीन, अच्छा जी सैम का जवाब आया मेरे पास। कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके भी रिप्लाई नहीं आ रहे, गलत हो रहा है बेटा ये सब, रिप्लाई करना है लाजमी, नहीं रिप्लाई करेंगे अंदाज़ा कैसे लगेगा कि सही सीख रहे हैं गलत सीख रहे हैं, सबके बारे में पता चलाना ज़रूरी है। तो बेटा इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है M1, क्योंकि जो नीचे की तरफ मूव करता है उसके मास को M1 कहा जाता है, ये बात मैंने अभी बताई भी थी थोड़ी देर पहले, जो नीचे मूव करेगा उसके मास को M1 कहते हैं। तो अगर बॉडी बी का मास M1 हो गया, लेकिन बॉडी ए का मास क्या हो गया, शाबाश जल्दी से चैट में जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है मुझे एक सवाल में मेहनत करनी है बस खाली जी। बॉडी ए का मास क्या होगा, शाबाश, सबका जवाब आना चाहिए, बॉडी ए का मास हो गया M2, वेरी गुड, बॉडी ए का मास M2 हो गया 4.8, बॉडी बी का मास M1 निकालना है आपने M1, जबकि कितना एक्सेलरेशन इन बॉडीज का 0.2 m/s², जी की वैल्यू क्या लेनी है 9.8। आइए सवाल को सॉल्व करें, सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग से लिख लेते हैं 0.2 m/s², फिर लिखते हैं मास और बॉडी ए, और वो है M2, और वो कितना है 4.8 kg, मास ऑफ बॉडी बी जो है M1, ये हमें मालूम है। जी की वैल्यू को डेटा में लिखना ना लिखना ये आपके ऊपर होता है, जी की वैल्यू लिखना चाहे डेटा में लिखना सॉल्यूशन में आ जाए,
फॉर्मूला, क्योंकि सवाल में क्या गिवेन है, एक्सेलरेशन, इसलिए हम केस नंबर वन के एक्सेलरेशन को फॉर्मूले देखें, जहाँ मेरी उंगली नजर आती है। देखिए डायग्राम भी आपके सामने बन गई, जो नीचे जाता है वो एम वन और जो ऊपर जाता है वो एम, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन गिवेन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास एम वन माइनस एम टू ब्रैकेट जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.2, एम वन आपको पता नहीं है, एम टू की वैल्यू 4.8, जी की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 9.8, एम वन आपको पता नहीं, एम टू की वैल्यू आपके पास आ रही है बेटा 4.8, ठीक है। इसको मजीद आगे बढ़ा दूँगा, एम वन पता नहीं है, एम टू की चलो 4.8 आ गया, जी की वैल्यू 9.8, ये सब पूरा ब्रैकेट यहाँ चला जाएगा 0.2 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे लिखेंगे 0.2 ब्रैकेट एम वन प्लस 4.8, यहाँ लिखा हुआ है एम वन माइनस 4.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.2 को पहले एम वन से करें कोई फ़ायदा नहीं, 0.2 एम वन आ जाएगा, 0.2 को 4.8 से मल्टीप्लाई करें, ये अंदर जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, पहले एम वन को करेगा 0.2 एम वन, 0.2 4.8 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 0.96, 9.8 को एम वन से करें तो ये बन जाएगा 9.8 एम वन। जब भी आप एक नंबर और अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मिला के लिखे जाए, जब भी आप एक नंबर और अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को मिला के, 9.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 47.04, सही। अब ये 0.2 एम वन को इस वाले एम वन के पास भेज दें और इस माइनस वाले नंबर को इस नंबर के पास, यानी ये प्लस का इसके पास जाके माइनस का, ये प्लस का इसके पास जाके माइनस का, ये प्लस का इसके पास जाकर माइनस का, और ये माइनस का नंबर इसके पास जाके 0.96 के पास जाके प्लस का, देखें ऐसे लिखें 9.8 M1 माइनस 0.2 M1, सीधा देखें ये प्लस का इसके पास आ गया माइनस का, ये माइनस का इसके पास जाके प्लस का, ऐसे करके 0.96 प्लस 47.04, ठीक है। इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 47.04 में जब 0.96 प्लस किया जाता है तो ये हो जाता है 48। 9.8 में से 0.2 माइनस कर लीजिए, ठीक है, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.6 एम वन, ठीक है। मजीद देखिए ज़रा, 9.6 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आगे डिवाइड करेगा 48 डिवाइडेड बाय 9.6 एम वन, और जब डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर्स को, तो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 9.6, 48 डिवाइडेड बाय 9.6, ये आंसर डिवाइड करने के बाद आ गया 5, और क्योंकि मास निकाला है kg, 5 kg। कैलकुलेशन आपके सामने, एक नज़र अच्छे तरीके से देख लीजिए और समझ में आ गया है तो डन लिख दीजिए, शावर डन, DONE डन, जल्दी से हमारे क्लास खत्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, मुझे अगला जो सवाल है उसका जल्दी से डेटा बना के आपको होमवर्क के तौर पर देना है। वेरी गुड, ये सारा काम मैं तस्वीरें खींच के आपको शेयर कर दूंगा ताकि जो हमारे नए स्टूडेंट उन्हें भी अंदाज़ा हो जाए, सारा काम आपके सामने भी होगा ताकि कोई प्रॉब्लम पेश ना, क्योंकि टाइम, थैंक यू मोहम्मद अली, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अप्रिशिएट करते रहते हैं, थैंक यू बेटा। मैं जल्दी से, क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है, आपके लिए असाइनमेंट है मेरे पास दो क्वेश्चन की शक्ल में, जल्दी से उनका एक का डेटा देख लें और एक आपने खुद ने ट्राई करना है, जल्दी से डेटा देख लें, मैं पेज स्वाइप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 95, अगर आपके पास सेल्स की बुक है तो आप देख लीजिए पेज नंबर 95 पर, मैं आपको यहाँ बुक से डेटा बनाकर बता रहा हूँ, ये देखिए
पेज नंबर 95, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 kg, हमारे पास 5 मिनट है तकरीबन क्लास ऑफ करने के, इसलिए ज़रा फास्ट। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10.2 kg एंड 4.5 kg, दो बॉडीज है जैसे एक का मास 10.2 है और एक का मास 4.5 है, आर अटैच टू द टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, दोनों को डोरी के कोनों से बांधा गया है। विच पासेस ओवर अ पुली, जिसको एक पुली से गुजारा गया है, इन सच अ वे दैट, इस तरह से दैट द बॉडी ऑफ मास 10.2 kg लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बात ज़रा बस सीखने वाली है, बहुत आसान सी बात है। उन दोनों बॉडीज, अच्छा सबसे पहले दोनों को डोरी से बांध के पुली से गुजारा गया है इस तरह से कि 10.2 kg वाली बॉडी किस पर आ गई, सरफेस पर आ गई। जी पहचाना आपने कौन सा केस है, केस वन या केस टू? वेरी गुड, जल्दी रिप्लाई आना चाहिए क्योंकि अब तो सब बच्चों को अंदाजा हो गया ये कौन सा केस है, केस वन है या केस टू है, ये पूछ रहा हूँ। बढ़िया, केस का पूछ रहा हूँ, शाबाश। कौन सा केस है, एक बॉडी सरफेस पे आई है तो ये कौन सा केस होता है, केस वन होता है केस टू? जल्दी से शाबाश सारे बच्चे। शमसा आपका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्लास में आया ऐसा? शमसा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, शमसा की हमारे पर रिप्लाई आते रहते हैं ओके करके भी। अच्छा भाई इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है मरियम, तुमने जवाब सही नहीं दिया, सही जवाब देना चाहिए था। अच्छा जी इसका सही जवाब है ये केस नंबर टू है बेटा, ठीक है। केस नंबर टू जो होता है, केस वन और टू की पहचान क्या है, फ़र्क क्या है? केस वन में दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग होती हैं, जुमला जहन में बिठाएँ, और केस टू में एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर होता है, इसलिए इसने इसमें क्या बोला, लेकिन लाइज ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल, एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर है एंड अदर बॉडी हैंग्स वर्टिकली, ये तो बात ही खत्म कर दी उसने पूरी की पूरी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा भाई अब आपने ये फैसला करना है इनमें से कौन एम वन है कौन एम टू है, तो ये भी जल्दी से आपने बताना है, मुझे बताइए शाबाश कौन एम वन है कौन एम टू है। तो देखिए यहाँ पे वर्डिंग लिखी है, उससे अंदाजा लगाए 10.2 kg जो है वो सरफेस पर है, ये लिखा हुआ है 10.2 kg सरफेस पर है। तो आप बताएं 10.2 kg जो है वो क्या होगा, M1 M2, दोबारा जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए गलती होने की वजह से आप सीखते हैं ज़्यादा हैं, अच्छा मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम आप एहतियात करते हैं, उस गलती की वजह से अपने जहन में बिठाते हैं, इसलिए अगर गलत जवाब भी आ रहा हो तो परेशान मत होंगे। 10.2 kg क्या होगा, ये सारी बातें कुछ देर पहले मैं सबको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले जब भी मैं टॉपिक न्यूमेरिकल्स कराता हूँ सारी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, तो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन दी थी आपको। अच्छा भाई मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़्यादातर बच्चों का जवाब गलत आ रहा है, सिवाय एक आध बच्चे का जवाब सही आया है, और बहुत अफसोस होना इस वजह से पड़ा मुझे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए सब एक्सप्लेनेशन दी थी, ये देखिए, और ये डायग्राम समझाते वक्त न्यूमेरिकल की शुरुआत मैं आने से पहले मैंने बात बहुत वाज अंदाज में बता दी थी कि आपने ये बात लाजमी जहन में बिठानी, फिर भी गलती हुई है चलें कोई बात नहीं, लेकिन ख्याल रखें ये गलतियाँ जो हैं जितनी कम से कम होंगी उसमें आपको फ़ायदा है, जो गलती करनी याद कर लें, बोर्ड में किसी तरह की प्लीज़ कोई गलती नहीं कीजिएगा। जो बॉडी हैंग होती है वो M1 होती है हमेशा, जो सरफेस पर होती है, देख लीजिए जो सरफेस पर होती है वो क्या है, M2, जो सरफेस पर होती है वो होती है M2, ठीक है। तो बच्चों 10.2 kg सरफेस पर है, ये क्या है आप जल्दी से बताइए, जल्दी से चैट में बताइए मुझे, जल्दी जल्दी टाइम कम है, क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। 10.2 kg क्या हो गई, M2 वाले, ओके। और जिसका वाला 4.5, ये क्या हो गया, M1, और ये क्या है, M2। मालूम क्या करना था, सॉरी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, डोरियां बनने वाला टेंशन निकालना है, एंड द फोर्स विच द सरफेस एक्सर्ट ऑन द बॉडी ऑफ मास 10.2 kg, जो सरफेस पे 10.2 kg बॉडी मौजूद है उस पर लगने वाली क्या निकालनी है, फोर्स। तो इस दवा से पेज मेरे पास यही रखा है, सरफेस जो फोर्स लगाती है M2 यानी 10.2 kg पर उसका नाम क्या होता है, R। सरफेस जो फोर्स लगाती है M2 वाले मास पर, सरफेस वाले मास पर, उसका नाम क्या होता है, आर। तीन चीज़ें निकालनी है इसमें, एक्सेलरेशन, टेंशन और आर। आइए जल्दी से डेटा बनाते हैं इसका। पहला मास M1 है, इसका अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 4.5 kg,
दूसरे बॉडी का जो मास है वो है 10.2 kg, ठीक है। और आपने इसमें तीन चीज़ें निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, और तीसरी चीज़ क्या निकालनी है इसके अंदर आपने आर निकालना है। आर क्या चीज़ है? आर वो फोर्स है जो सरफेस दबा है। इन सब के फॉर्मूले आपके पास मौजूद हैं, मैं भी आपको तस्वीर खींच के शेयर कर देता हूँ, या आप गौर से देखिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, हो जाएगा होमवर्क। टेंशन का फॉर्मूला ये रहा होमवर्क। आर का फॉर्मूला ये रहा आर बराबर W2, W2 किससे हो जाएगा M2G। सबके जवाब किताब में मौजूद हैं और उसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, किताब में सारा आंसर। ये जो नुमारी का भी आपका हो गया। इसके अलावा मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ किताब के अंदर। एग्जाम्पल दी गई है, आपने ट्राई करना है। एग्जाम्पल 3.6, पेज नंबर 76। एग्जाम्पल 3.6, पेज नंबर 76, ये भी आपका होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई मसला। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं, और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। कल नया टॉपिक है, जो नए बच्चे हैं क्लास के अंदर, जो कि अभी रिसेंट ऐड हुए हैं, कुछ ही क्लासेज लिए हैं नहीं, तो कल उनके लिए बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है, जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, तो इंशाल्लाह लीनियर मोमेंटम के टॉपिक के साथ कल क्लास में हाजिर होंगे। मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी बेसिक निकल जाएगी तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अपना अपने घर वालों ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त बच्चों, अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों मेरे से अल्लाह हाफिज़।